चलो अब शुरू करते हैं रॉयल ईस्टर शो के बारे करते हैं डेट से। तो ये 8 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है इसको लेके। तो वहाँ पे हर एज ग्रुप के हिसाब से राइड्स हैं, उसमें पायरेट्स राइड्स भी हैं। वाला मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, लाइक कभी हम जाते हैं ओलंपिक पार्क वाले में, कभी मोह पार्क वाले में। सबको राम राम, कैसे हैं सब लोग? तो ईस्टर आ गया फिर से, और ईस्टर के साथ साथ ईस्टर की छुट्टियां भी आ गई हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं अगले हफ्ते से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम पेरेंट्स को होती है कि भाई बच्चों को कहाँ ले जाएं, कौन सी लोकेशन बढ़िया है उनके लिए, बच्चे जहाँ पे खेल भी सकें और पास भी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो। ये सब चीज़ हम बताएंगे आपको अगली एक दो वीडियोस में कि आप कहाँ जा सकते हैं, कितनी दूर जा सकते हैं। जैसे भाई कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सेम डे ट्रिप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कहाँ पे सेम डे ट्रिप कर सकते हो आप। आज लेकिन हम बात करते हैं ईस्टर शो के बारे में। सिडनी रॉयल ईस्टर शो सबको सुना होगा, सबसे बड़ा शो है। सारी डिटेल्स लाइक टिकट्स, प्राइजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से पिक कैसे चलेगा, कैसे आप पार्किंग चूज कर सकते हो, क्या क्या राइड्स हैं उसके अंदर, और बाकी जो भी उसके अंदर इस बार शो का होने वाला है रॉयल ईस्टर शो में, वो सब बताएंगे। इसकी शो के अलावा लेकिन दो और शो हैं जो सिडनी में हो रहे हैं, जहाँ पे कोई प्राइज नहीं होगा टिकट्स वगैरह का। आप जाओ बच्चों के वहाँ पे झूलों के, जो वहीं पे झूले हैं उनकी वहीं से टिकट लो और वहीं पे वो झूल सकते हैं। पहले एडवांस बुकिंग या आपको एंट्री टिकट नहीं देनी पड़ेगी उसके लिए। वो है एक तो मोपा और एक फेयरफील्ड में। वो काफ़ी छोटे होते हैं कंपेयर टू रॉयल ईस्टर शो, लेकिन झूले अगर बच्चों से झूले झूलने हैं तो उसके लिए बेस्ट है वो। वहाँ पे और उस तरह के लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह कम होते हैं, झूले मेन क्राइटेरिया वहाँ पे झूले काफ़ी होते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं रॉयल ईस्टर शो के डेट से। तो ये 8 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 19 अप्रैल तक, और सिडनी ओलंपिक पार्क में ये हो रहा है। और वहाँ पे आपका जो मेन जो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी टिकट के अंदर इंक्लूड होगा, तो आप किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें बस, ट्रेन या और भी कोई लाइक नो टैक्सी और ऊबर नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि ये आप जो ट्रेन वगैरह बस वगैरह ले सकते हैं। इनमें मास्क अभी भी कंपलसरी है, तो वो प्लीज़ ध्यान रखना कि मास्क जरूर लेके आना अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कार से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्री बुक करना कंपलसरी है, क्योंकि जो पार्किंग है वो सुबह ही फुल हो जाती है, और वो कंडीशन लिखी हुई है वेबसाइट पर जो का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। पार्किंग पहले ही बुक करनी है ताकि आपको मिल जाए वहाँ पर, प्री बुक पार्किंग कंपलसरी है। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी वॉक करनी पड़ती है आपको, मोस्टली जो पार्किंग है वो अराउंड 5 to 10 minutes वॉक पे है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं ये मोपाक शो के लिए। ट्रेन स्टेशन तो बिल्कुल उसके पास ही है, वहाँ से ज़्यादा वॉक नहीं है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जैसे आप ऊपर आएंगे ट्रेन से स्टेशन से, साथ के साथ बाहर निकलते ही आपको शो स्टार्ट हो जाता है। आ रहे हैं तो एक चीज़ और बता दूँ ध्यान से कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है अगर आप M4 से आ रहे हैं या पैरामीटर रोड से आ रहे हैं, या इवन अगर आप विक्टोरिया रोड से अगर एंट्री कर रहे हैं ओलंपिक पार्क में, तो अपने आप को टाइम एक्स्ट्रा दे के आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अपना गूगल मैप चेक करते हुए कहाँ से बेस्ट है ऑप्शन वो लेके जाना, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों एक्साइटेड रहते हैं वहाँ पर जाने के लिए राइड्स को लेके। तो वहाँ पर हर एज ग्रुप के हिसाब से राइड्स हैं, उसमें पायरेट्स राइड्स भी हैं, उसमें हॉन्टेड हाउस भी है, बड़े ऊंचे वाले झूले भी हैं, छोटे झूले भी हैं, मिनी कार्स भी है, बिग कार्स भी है, डिफरेंट लाइक हर जो राइड्स आप सोच सकते हो सारी राइड्स अवेलेबल हैं, वाटर राइड्स भी हैं उसमें। तो आप बच्चे लाइक किसी भी कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे कि वो नहीं है या ये नहीं है। उसके अलावा शूटिंग के लिए गन्स वगैरह के भी गेम्स वगैरह हैं वहाँ पे, यू नेम इट, और वो गेम वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बहुत बड़ा शो होता है, इनफैक्ट आप कई बार तो गेम्स या वो राइड्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा टाइम ही नहीं लग पाता कि ये करें या पहले वो करें। ये चीज़ और ध्यान रखनी है, जो अच्छी राइड्स होती हैं, जो कि ज़्यादा फेमस राइड्स होती हैं, उसमें वेटिंग काफ़ी होती है। तो अपने जो राइड्स हैं वो चूज़ करें थोड़ा ये देख के कि बच्चा प्रेफर कौन सी कर रहा है पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा क्राउड होता है छुट्टी वाले दिन, खास तौर से वीकेंड्स पे, वीक डेज में भी काफ़ी होता है, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की वैसे ही होती हैं,
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कौन सी राइड लेनी है वो चूज करना और डिसाइड करना। या हमारा जो राइड्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल इन उसमें डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके लिंक सारे दिए हुए हैं और भी कुछ डिटेल चेक करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्राइसिंग क्या है इसकी। प्राइसिंग इसकी है अभी अर्ली बर्ड्स प्राइसिंग चल रही है इसकी, जो कि चलेगी 7 तारीख के 12 बजे तक। तब तक अगर आप बुक करते हैं तो प्राइस आपको थोड़े सस्ते पड़ेंगे, उसको डेट आप चूज कर सकते हैं उसके बाद की कभी भी, लेकिन प्राइस सस्ते हैं। नॉर्मली $45 की है, वो $39 की मिल रही है अभी अडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए जो है वो 28 की है, वैसे अब 23.50 की मिल रही है। तो और फैमिली पास जो है वो $99 में अभी आपको मिल जाएगा अगर आप 7 तारीख से 8 तारीख से पहले 7 तारीख को रात को 12 बजे से। तो ये सारी टिकट्स हैं, ये आप टिकट मास्टर के थ्रू ही ले सकते हैं ऑनलाइन, और इन पे $4.05 का सरचार्ज लगेगा अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं, लेकिन मिलेगी आप टिकट मास्टर से ही ये अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो। ये आप शाम को जाना पसंद करते हैं 4 बजे के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आके जाना चाहते हैं, तो उसके डिफरेंट प्राइजेज हैं। उसके प्राइस फॉर जो अगर अडल्ट हैं उसके लिए $33 है, और बच्चे के लिए $12 अगर आप शाम को 4 बजे के बाद जाना चाहते हैं, उससे पहले के डिफरेंट प्राइस है, तो आप चूज कर सकते हैं। रात को ये 9 बजे तक शोज चलते हैं, 11 बजे पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाकी और राइड चल रही होती हैं 11 बजे तक, शो 9 बजे ख़त्म हो जाते हैं। जो कोई शो जैसे होते हैं बर्ड शो हो या कोई और एनिमल का या कुछ ही और तरह के शो चल रहे होते हैं जो फार्म्स वगैरह के, वो 9 बजे बंद हो जाएंगे। 11 बजे पूरा जो वहाँ पे ईस्टर शो है उसका क्लोजिंग टाइम है। और ये फिर ध्यान रखना है कि 11 बजे के आसपास बहुत भीड़ हो जाती है, 9 से 11 के बीच में सब वो निकलते हैं, तो अपना जो जर्नी है उस हिसाब से प्लान करना, ट्रेन से भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी, और अपनी कार पे जा रहे हैं तो उसकी भी टिकट ग्रुप्स के हिसाब से बुक कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन और डिटेल सारी बायो में दी हुई, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक फिर सीनियर डे टिकट भी है जो कि सिर्फ वैलिड है वेंसडे को 13 अप्रैल को, उस दिन 50% डिस्काउंट है सीनियर्स के लिए, नॉर्मली 35 की है उस दिन 17.50 की है। तो ये सारी टिकट्स की बाकी और भी डिटेल जो है वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी रॉयल स्टार शो के बारे में जो ओलंपिक पार्क में हो रहा है, टिकट वगैरह और कैसे आना है और क्या क्या है वहाँ पे। जो भी डिटेल और चाहिए वो सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 शो और हैं मो पार्क में और फेयरफील्ड में। अब फेयरफील्ड वाला मैं आप भी कभी गया नहीं हुआ था तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाता हूँ कि उसके अब डिटेल भी इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए राइड्स सारी हैं, पास ही पड़ता है अगर कोई पैरामीटर जाना चाहता हूँ। दूसरा जो है मो पार्क में, मो पार्क वाला मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, लाइक कभी हम जाते हैं ओलंपिक पार्क वाले में, कभी मो पार्क वाले में। तो मो पार्क वाला मुझे बेटर तब लगता है जब बच्चों से राइड्स कराने ले जाना होता है, और वहाँ पे पार्किंग जो वहाँ पे फॉक्स स्टूडियो है वहाँ पे काफ़ी पार्किंग अवेलेबल रहती है अगर आप कार से जाना चाहते हैं, वरना आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन कैच करके सेंट्रल से चेंज कर सकते हैं और फिर आप वहाँ की बस पकड़ सकते हैं सेंट्रल से, जो आपको SCG मो पार्क के पास ले जाएगी। अगर आप पर इसकी जो कोई एंट्री टिकट नहीं होती है इसकी, तो इसकी ट्रांसपोर्ट का सबको आपको खुद ही पे करना होगा, लेकिन वहाँ जाके आपको सिर्फ जो राइड्स हैं उस हिसाब से लेना होगा। उस पर आपको पहले बुकिंग भी नहीं करनी, सिर्फ ये है कि अगर भीड़ ज़्यादा देर चूज करना आपको कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन वो जाओ टिकट लो जो उनसे राइड की लेनी है और करो। शो बैग्स वहाँ पे भी हैं, वही शो बैग जो आपको इधर मिलेंगे ईस्टर शो में, थोड़ी सी वराइटीज़ कम हो सकती हैं लेकिन शो बैग्स वहाँ पे भी हैं। राइड्स मोस्टली सारी हैं बच्चों की, तो खासतौर से थोड़ी बड़ों की शायद ना हो, बच्चों की है सारी राइड्स वहाँ पे। उसके अलावा फूड वगैरह भी हैं, गेम्स वगैरह भी हैं वहाँ पे। तो अगर आपको जस्ट नॉर्मल फन के लिए, बच्चे छोटे हैं उनके लिए, तो वो मोपाक भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा अगर दूर अगर आप वेस्ट में रहते हैं, लेकिन अगर आप उधर ही सिटी की तरफ या ईस्ट में या कहीं और रहते हैं तो इट्स ए गुड ऑप्शन, आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप ईस्टर शो में, ईस्टर छुट्टियों में क्या क्या देखने का है, कहाँ जा सकते हैं, वो मैंने कैसे बताया, मैं आगे डालूंगा वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पता लग जाए वीडियो कब आई है।
और ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और भी चीज़ों के बारे में हम डालते रहेंगे रेगुलरली, प्लस अपना जो फैमिली व्लॉग है वो भी हम डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सबको राम राम।